इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। आप बड़ी संख्या में आप भीड़ भी देख सकते हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीजेपी विधायक गणेश नाइक का ये जो जन आंदोलन है वो इन्हें कितना प्रभावित कर रहा है या कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि आज के टाइम में जब मुंबई में प्रशासक के जरिए पूरा कामकाज चल रहा है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं मुंबई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आज इस चौक में खास करके नई मुंबई बचाओ लुटेरों को भगाओ ऐसा जो स्लोगन हमारे नाइक साहब के नेतृत्व में हम सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिए। खास करके ये आंदोलन के पीछे आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग एक चौराहे में खड़े यहाँ पर एक ब्रिज बनने वाला है उसकी कीमत कॉरपोरेशन के माध्यम से 352 करोड़ निकली गई है। हालांकि इधर यहाँ पर ब्रिज की कोई जरूरत नहीं, इसके माध्यम से 398 झाड़ कटने वाले हैं। और बात ऐसी है कि उसके अलावा भी MRTC के माध्यम से कम 2500-2600 झाड़ काटने का उन्होंने अनुमति दे दी है। इसका मतलब ऐसा है कि कॉरपोरेशन को, नई मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, जो छोटे मोटे काम है, गरजू काम है, वो लेने के नहीं है। ऐसा ही काम पिछले टाइम पर आपने देखा है कि CCTV कैमरे का काम निकाला गया था 270 करोड़ का। इसके खिलाफ हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई वही काम 122 करोड़ में दिया गया। इसका मतलब 150 करोड़ का जो घपला था भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी ने जो आवाज़ उठाई उसके माध्यम से वो उठ गए। ऐसा ही यहाँ पर है, ये 350 करोड़ का जो काम निकला है ये जनता की मांग नहीं है, ये खाली किसी विशिष्ट आदमी के लिए, विशिष्ट मंत्रीगण के लिए ये काम निकाला गया है। और इसके खिलाफ हम लोग है, हमारी पार्टी है। और इसी तरह आज का जन आंदोलन ये खाली दो काम के लिए नहीं, और भी बहुत सारी वजह है। जैसे कि हम लोग अरंज कॉर्नर पर जा रहे हैं, वहाँ पर सेक्टर 17 है, वहाँ पर जो मिनी बायोगैस का प्रकल्प जो हुआ है, बायोगैस का प्रकल्प रहा है उसको भी वहाँ के कॉर्पोरेटर तो आप मेरे बगल में खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर भी जन आंदोलन की शुरुआत आज वहाँ पर एंड होने वाला है, वहाँ पर भी हम लोग रनशिंग बुकने वाले हैं। हालांकि नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारे जो कमिश्नर है अभिजीत जी बांगर, उन्होंने जिस ढंग से यहाँ पर पैसे की लूट सत्ताधारियों के माध्यम से यहाँ पर की जाइए, नई मुंबई का तिजोरी नीचे खुला यानी खाली करने का कोशिश वो कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि नई मुंबई बचाओ और लुटेरों को भगाओ। जैसे कि वो लोग पानी भी चोरी किया हमारा, जो नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पानी 450 ml पानी हम लोग पूरे नई मुंबई को दे रहे हैं उसमें से 50 ml पानी तो वो भगा रहे हैं। इसका मतलब नई मुंबई को पैसा रखने का और थाना की जनता को पूरा पानी देने का ऐसे उनका है। इसीलिए हम सब लोग उनके खिलाफ है, यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ है, यहाँ के सत्ताधारी के खिलाफ है। और ये सत्ताधारी जिस ढंग से नई मुंबई को अन्याय कर रहे हैं उसके खिलाफ है। देखना है कि इसका सत्ताधारी सरकार पर और महानगर पालिका प्रशासन पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।